हालेलुया। परमेश्वर के वचन में से हम लोग कुछ वचन पढ़ेंगे, छोटा सा मनन करेंगे। आप प्रकाशित वाक्य का 11 अध्याय निकालें। प्रकाशित वाक्य उसका 11 अध्याय उसके पहले वचन से पढ़ें। ठंडे वर्ग एक काला मेनू दिता काना काना मेनू दिता गया अते ए वचन होया भई उठ परमेश्वर दी हैकल नू अते जगवेदी नू अते उना नू जेड़े उते भजन करदे हन मिण ले। हालेलुया। फिर से पढ़े शुरू से। ता डंडे वर्ग एक काना मेनू दिता गया। परमेश्वर का दास है यूहन्ना जिसे परमेश्वर ने प्रकाशन दिया। तो प्रभु परमेश्वर अपने दास यूहन्ना को एक रीड दे रहा है। इंग्लिश में वर्ड रीड है जिसे पंजाबी में काना कहा गया है, जो पानी के अंदर ग्रो करता है, पानी के किनारों पे ये रीड लगी होती है, काने लगे होते हैं, हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं इनको। तो प्रभु ने वो दिया ताकि यूहन्ना क्या करे। यूहन्ना को तीन चीजों की विनती करने के लिए कहा गया। उसे यहोवा परमेश्वर के मंदिर की विनती करने के लिए कहा गया और उसे जगवेदी की विनती करने के लिए कहा गया और उसे उस टेंपल को जहां पे थोड़े समय के लिए ये बात परमेश्वर कर रहा है आने वाले 7 साल के सताव की। जब 7 साल का सताव शुरू होगा, जब मसीह विरोधी पृथ्वी के ऊपर आएगा, पृथ्वी के सब राष्ट्र, कुल, गोत्र, भाषा, पृथ्वी की सब सरकारें उसे सरेंडर करेंगी और मसीह विरोधी प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय में जब पहली मोहर टूटती है तो सफेद घोड़े के ऊपर बैठ के जो सवार आ रहा है वो है बीस्ट, जिसे हम जंतु कहते हैं, अल्टीमेट बीस्ट जो दुनिया पे शासन करने के लिए आ रहा है। वो थोड़े समय अर्थात 3.5 साल तक इसराइलियों को, यहूदियों को उस जगवेदी के ऊपर कुर्बानी चढ़ाने की आज्ञा देगा और परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर की उपासना करने के लिए आज्ञा देगा। लेकिन उसके बाद वो क्या करेगा, एक घिनौनी वस्तु को परमेश्वर के मंदिर में खड़ा करेगा। 3.5 साल तो मैं चाहता हूं जकरिया नबी की पुस्तक 2 अध्याय उसका पहला वचन भी पढ़ लें। जकरिया उसका 2 अध्याय उसका पहला वचन और इज़कियल 40:3 और 42:20 ये 4 वचनों पे हम मनन करेंगे। फिर मैं अखा चुभ के डिठा ता वेखो एक मनुख दे हाथ विच कच्चन दी चरीर सी। मैं आख्या तू कित्थों जाना है। उस मैनू आख्या जरूशलम नू नापण लई भई वेखा ओ किन्ना चौड़ा है अते किन्ना लम्मा है। हालेलुया। अब जब इज़कियल पढ़ेंगे, अब इज़कियल भी पढ़ दीजिए 40:3 ये हम अलग अलग स्वरूप देख रहे हैं। यहाँ पे कुछ स्वरूप स्वर्गदूत के हैं, यहाँ पे कुछ स्वरूप प्रभु यीशु मसीह के हैं और एक स्वरूप परमेश्वर के दास यूहन्ना का है। परमेश्वर एक लंबा काना जिसे रीड बोलते हैं अपने इन दासों के हाथ में, प्रभु यीशु के हाथ में भी दिया गया है। किसके लिए? ताकि परमेश्वर के लोगों की विनती की जाए। भाई और बहनों, अब पृथ्वी पे समय आ रहा है जब परमेश्वर आपको नापेगा, आपको गज लगाया जाएगा। परमेश्वर के ऐसे जो मीटर है, परमेश्वर का जो पैमाना है, उस पैमाने के अंदर अगर आपका जीवन नहीं आया तो आप पे दंड आएगा। परमेश्वर के पैमाने के अनुसार अगर आपका जीवन है, आपका जीवन, आपका चरित्र, आपका स्वभाव, आप अपने जीवन को कैसे चलाते हो, अपने परिवार की कैसे अगुवाई करते हो,
अपने काम काज धंधे में परमेश्वर के सिद्धांतों के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा चलते हो, अपने जीवन के हर पहलू में आप प्रभु को आगे रखते हो और परमेश्वर के जीवित वचन के अनुसार चलते हो, तो आप परमेश्वर के उस कान्हे के बीच सही पाए जाओगे। परमेश्वर आपको नापेगा, आपकी मिनती सही होगी अगर आप परमेश्वर के पैमाने पे। तो वचन में क्या लिखा है? वचन में लिखा है सबने पाप किया और परमेश्वर के पैमाने से गिर गए। अनादिकाल परमेश्वर ने अपना पैमाना लगाया और उसने क्या देखा? एक भी धर्मी नहीं, कोई भी धर्मी नहीं, सब भेड़ों के नाई भटक गए, सबने अपना अपना मार्ग ले लिया। All have fallen short of the glory of God. परमेश्वर की महिमा से गिर गए। तो परमेश्वर का जो पैमाना काना है वो क्या है? वो परमेश्वर का जलाल है। परमेश्वर अपने जलाल के साथ, उसने हमें अपना वचन दिया है, जीवित वचन, उसने हमें अपना आत्मा दिया है, उसने अपने पुत्र यीशु का लहू दिया है, उसने स्वर्ग दूत हमारे इर्द गिर्द तैनात किए हैं, उसने अपने सच्चे सेवकों को भेजा है, उसने स्वर्ग के फाटकों को खोला है। स्वर्ग से हर चीज आपकी सहायता के लिए उतरती है। किस लिए? कि आप परमेश्वर के पैमाने के अनुसार हो जाओ। वो कलीसियाओं को काना लगाने जा रहा है, गज लगने जा रहा है, मीटर लगने जा रहा है, परमेश्वर का भवन नापा जाएगा। आप जो सेवकाई कर रहे हो, आप जिस कलीसिया को चला रहे हो, उस कलीसिया में आने वाले भाई बहनों का जीवन कैसा है, चरित्र कैसा है, वो कितना प्रभु से प्रेम करते हैं, कितना परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। अगर वो प्रभु के वचन के अनुसार चलते हैं, अगर वो सकरे मार्ग के राही हैं, अगर वो क्रूस को उठा के जाने वाले पथिक हैं, अगर वो परमेश्वर के सकरे पथ पे चलते हैं निरंतर और अपने जिस्म की ख्वाहिशों को क्रूस पे चढ़ाते हैं और अपने आप का इनकार करते हैं और प्रभु के लिए जीते हैं, अगर आप ऐसी शिक्षा देने वाले गिडरिए हो, तो यीशु मसीह आपके इधर मुकुट रखेगा, आपको क्राउन देगा, ताज देगा, आपको जलाली शरीर देगा, आप यहोवा के अंबर में तारों की मानन चमकेंगे। अगर नहीं, तो वचन में लिखा है आप अपना प्रतिफल खो देंगे। अगर आपने ऐसी सेवकाई की है जिसमें लोग अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करवाने आते हैं और आप मनोकामनाएं पूर्ण करते हो, बरकतों की दुकान खोलते हो और आप प्रभु यीशु के नाम पे तेल बेचते हो, पानी बेचते हो, कपड़े बेचते हो, तरह तरह के प्रोडक्ट बेचते हो, और आपने यीशु मसीह को बेचने की सामग्री बनाया हुआ है और आपने परमेश्वर के राज्य को बिजनेस बना दिया, एंटरप्राइज बनाया है, आप एंटरप्रेन्योर हो और आप बिजनेस कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, तो आपके ऊपर दंड आ रहा है। और सुन लीजिए, अगर आप पश्चाताप नहीं करेंगे, कोई पृथ्वी का, ब्रह्मांड का कोना नहीं है जहां आप भाग के छिप जाएंगे, और कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको परमेश्वर के प्रकोप से बचा लेगी। तो प्रभु क्या कर रहा है? ये जकरिया 2:1, इज़ीकियल 40:3, इज़ीकियल 42:20 भी पढ़ लो, परमेश्वर मेजरमेंट करने जा रहा है। अब भाई और बहनों मिनती होगी, गज लगेगा। कहते हैं ना लोग, वो बंदा तो नप गया, आप नापे जाओगे। अब हम उस समय की ओर अग्रसर हो रहे हैं बहुत तेजी से, जहां परमेश्वर हमारे, अब पाप नहीं चलेगा, अधर्म नहीं चलेगा। इसलिए आपसे मैं आह्वान करता हूं, अपना पुराना जीवन, वचन में लिखा गंदे सड़े पाप के कपड़े उतार के फेंक दो और ज्योति के वस्त्र धारण करो, क्योंकि भोर का तारा उदय होने वाला है। हालेलुया, काली रात बीत गई है, देखो खितिज पे, हालेलुया, सूर्य चढ़ रहा है। ये सूर्य आपके दिलों के अंदर परमेश्वर के तेज को उड़ेलेगा। ये सूर्य है, वचन में लिखा है सन ऑफ राइचियसनेस, धार्मिकता का सूर्य। मलाकी नबी की पुस्तक 4:1 में लिखा है, वहां लिखा है पृथ्वी के ऊपर मेजरमेंट होगी, तंदूर की तरह जलाने वाला दिन आने वाला है, पृथ्वी पे भयंकर दिन आने वाला है। लेकिन तुम जो प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हो, उससे डरते हो, तुम्हारे ऊपर धार्मिकता का सूर्य चढ़ेगा और तुम बाड़े के बछड़ों की नाई कूदोगे। जो पवित्र जीवन जीते हैं, धर्मी जीवन जीते हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं, प्रभु की बाट जोहते हैं, उनके लिए खुशखबरी है। और जो प्रभु के वचनों को तोड़ते और मरोड़ते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ डीमंस, शैतानी शिक्षा का प्रचार करते हैं, जो केवल लोगों को ये सिखाते हैं कि ये पृथ्वी के ऊपर जो आपका जीवन है,
इसमें आप महंगी महंगी गाड़ियां लो, महंगे महंगे वस्त्र पहनो, बंगले बड़े बड़े घरों में रहो, पूरी दुनिया में घूमो, बहुत सारा पैसा कमाओ, जो केवल यही सिखा रहे हैं उनका विनाश होगा, जिन्होंने परमेश्वर की प्रजा को आने वाली दुनिया के लिए तैयार नहीं किया। प्रभु का दास पौलुस कहता है, इस जगत में दुख उठा के हमने स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है। हालेलुया। तो सुन लीजिए, काना दे दिया गया है हाथ में, मिनती होने वाली है। आप भी परमेश्वर काना लगाए और आप अधूरे पाए जाओ, ऐसा ना हो। अपना जीवन प्रभु के चरणों में सौंपे। हालेलुया। उसके चरणों में घुटने टेकें, उसके वचन के अनुसार जीवन बिताएं। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं तारा बंसल उनके घराने के लिए, साबी सुरजीत उनके परिवार के लिए, हरदीप मसीह उनके घराने के लिए, रीना खान, रमन खान उनके परिवार के लिए, गुरदीप सिंह के लिए उनके परिवार के लिए, पूजा बिष्ट के लिए, पास्टर रॉबी जॉन उनके घराने के लिए, पास्टर लखविंदर मसीह के लिए। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ जसवीर सिंह उनके घराने के लिए, तारा बंसल और प्रभु जी पास्टर लखविंदर के लिए, बहादुर सिंह आकाश के लिए प्रार्थना करता हूँ, भाई मंगल थापा के लिए, मंगल थापा की बेटी खुशी के लिए, उनके परिवार को आपके चरणों में लेके आता हूँ। मीनू सूद उनके घराने को आपके लहू में छिपाता हूँ। पूजा बिष्ट के लिए भाई ललित मेहरा और प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, पास्टर दलवीर गिल उनके घराने के लिए, सोनू चांबा के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, सोनू चांबा पे अपनी करुणा उंडेले। भाई सुखदेव मसीह पे, उनके परिवार पे, खास करके उनके बेटे के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी मार्ग सरल करना, बुद्धि देना, समझ देना। यीशु मसीह तनुजा सेठ उनके घराने को हालेलुया अपने लहू में छिपाना। जसवंत सिंह को उनके परिवार को आपके खून में छिपाते हैं खुदावंद। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद हो। रितु कुमारी को, गुरबचन सिंह मसीह को जो हिमाचल से हैं, आपके लहू में छिपाते हैं। रितु कुमारी को आपके लहू में छिपाते हैं। सृष्टि सेठ को आपके खून में छिपाता हूँ। बिनाया संदीप को आपके लहू में छिपाते हैं। भाई मंजीत को स्मरण करते हैं, पास्टर चंद्र मोहन को स्मरण करते हैं। प्रभु मैं अपने आप को आपके चरणों में रखता हूँ, अपने खून की ओट में लीजिए। प्रभु इस घर में आपकी पवित्रता ही आए, प्रभु आपकी हजूरी आए। इस घर से सारी कलुष कालिमा, सारा अधर्म और गंदगी दूर, पाप का कोई ग्रहण इस घर में ना रहे। यूसुफ के जीवन को ऐसा बदले, बदले इसके जीवन को, इसकी पत्नी ट्रेजा को बरकत दें, शाइना को, जोएल को बरकत दें, इनके पिता को आपके लहू में छिपाता हूँ। खुदावंद इस घर से आपका नाम ऊंचा हो। ये परिवार प्रभु दुनियावी चीजों पे घमंड ना करे, पैसा दौलत शोहरत पे, लोगों पे जिन्हें ये जानते हैं, इनका घमंड केवल आप हो प्रभु, केवल आप पे घमंड करें। ऐसी करुणा उंडेले भाई यूसुफ के ऊपर, इनके परिवार के ऊपर। प्रभु जी मैं भाई सतपाल के लिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ, अपने लहू में छिपाए इन्हें, इनके बेटे के लिए खास करके। प्रभु जी जो इंजेक्शन लेता है गलत, प्रभु उसका जीवन बदले, उस पर मैं आपका लहू छिड़कता हूँ। इनकी बेटियों की शादी के लिए, इनके घराने के लिए, इनके बेटे जो विदेश में, सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु ये धन पे नहीं, आपके नाम पे भरोसा करें, क्योंकि धन तो चंचल है, आज है कल नहीं है, लेकिन प्रभु आप हमारी चट्टान हो, आप हमारा गढ़ हो, आप हमारा किला हो। प्रभु यीशु मसीह आप ही हमारी खुशी हो, आप ही हमारा अभिषेक हो। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, आज का ये दिन आपके चरणों में सौंपते हैं। आशीषित करें, आज जो भी काम करें वो प्रभु जी आपकी ओर से हो, आपकी ओर से जो नहीं है वो कोई भी काम आज हम ना करें, ऐसी करुणा उंडेलें। प्रभु आपका धन्यवाद, प्रभु आपका धन्यवाद, 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 प्रभु आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु आपके लहू की जय, पवित्र 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 लहू की जय, यीशु मसीह के जलाली नाम में, आमीन। सिस्टर जी आप कुछ कहना चाहते हो? हाँ जी पाजी, मेरा फोन हैंग हो गया से, मैं गवाही देनी सी। हाँ जी बोलिए, दीजिए गवाही। हाँ जी, जय हो सारे नु, जिन्ने भी फोन भाई ऑनलाइन है। मेरी गवाही ये है कि परमेश्वर ने मेरी जिंदगी च बहुत बड़ा काम किया। मैं परमेश्वर नु नहीं जानती सी, मैं परमेश्वर नु नहीं जानती सी, मैं जब तो परमेश्वर नु जानिया, परमेश्वर ने मेरे जीवन नु बदलिया, परमेश्वर ने मेरे जीवन दे विच बहुत बड़े काम किए। मेरे लिए कोई कमाई का साधन नहीं सी, मैं अपने फादर इन लॉ ते डिपेंड हाँ, मेरे बच्चे उन्होंने पढ़ा दिते, जिथे तक होया मेरी फैमिली ने भी मेरा साथ दिता,
मेरी दुआ सी कि मेरा बच्चा कहिंदा सी कि मैं मम्मी कुछ बनना ते मैं बाहर ही जाना। मैं अपने हालात देखती सी कि मैं इत्थे तक इहनूं किद्दां लैके जावां। एक माँ रब अगे दुआ ही कर सकती, मैं दुआ करती हुंदी सी कि प्रभु जो भी इहदी इच्छा पूरी होवे। मैं अपने घरदिआं नाल गल कीती, उहनां ने मेरी गल सुनी पर मैनूं जवाब देता कि इन्ना पैसा कुड़िए तू कित्थों लाउणा, तू कर्जे च डुब जाणा। भई असीं वी तेरी जिन्नी हैल्प कर सकदे उन्नी कर सकदे आ, 15-15, 20-20 लाख रुपया कोई नहीं दे सकदा। मैं उत्थे गल छड्ड दित्ती। फिर दोबारा मेरे भरा ने मैनूं 6 महीने बाद फोन किया कि तू उत्थे जा ते काम ला। मैं फिर भी परमेश्वर अगे आस छड्डी के प्रभु जो करना तुसीं करना, मेरे हाथ बस कुछ नहीं हैगा, तू मेरे हालातां नूं मेरे तो बेहतर जानदा, तू मुहैया करन वाला, तू ही इंतजाम करन वाला। ते सचमुच परमेश्वर ने मेरी दुआ नूं सुनिया। मैं अपने बच्चे नूं काम जिथे लगाया उत्थों मैनूं रिस्पोंस आया। परमेश्वर ने मेरी दुआ नूं सुनिया, मेरियां सारियां जरूरतां नूं पूरा किया। मैनूं किसी दे घर मंगण जाण लई नहीं दिता। परमेश्वर ने मेरा जिन्ना भी 10-15 लाख दा इंतजाम मेरे घर ही बैठे परमेश्वर ने सारियां जरूरतां नूं पूरा किया। परमेश्वर बहुत वड्डा है, वो सारियां नूं दिलों दिलों गुरदिआं हिरदिआं तो जाचण वाला परमेश्वर है, बिन मंगे देण वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु ने अज दिन तक मैनूं भुखी नहीं सौण दिता, हर तरह का वधिया कपड़ा, हर तरह की वधिया रोटी खाण नूं दित्ती है। प्रभु ते विश्वास रखो ते सब कुछ करने की ताकत रखता है। मेरा विश्वास आ कि इन्हां पर्वां दे विच मैं अज फास्टिंग प्रे ते आ, प्रभु मैनूं जो भी थोड़ा बहुत काम रुकिआ आ उहदा उत्तर दऊगा। ते मैं अपने घर दे विच बंदगी जो पास्टर जी हुणां ने मैनूं कहा सीगा मैं करवाऊंगी। रब दे दासां ने साडे लई बहुत दुआ कीती, दिन रात मैं इहनां नूं फोन करना, पर भाजी इदां हो गया, भाजी इदां, भाजी ने कहना कोई नहीं, एक बेला आ, परमेश्वर ने तैनूं उत्तर देना। सचमुच प्रभु ने मैनूं उत्तर दिता। मैं प्रभु दा धन्नवाद करदी हाँ, रब दे दासां दा वी धन्नवाद करदी हाँ, उहनां भैणां भाइयां दा वी जो मेरे लई दुआ करदे आ। सारिआं नूं जय मसीह दी, सारिआं नूं जय मसीह की, हालेलुया। हालेलुया। इस सिस्टर जी के बेटे के लिए परमेश्वर ने यूरोप में पढ़ने का रास्ता खोला बिना आईलेट्स के, और कोई पैसा भी नहीं था इनके पास, यहोवा ने इनकी मदद की। प्रभु आपके लिए भी ऐसे बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। यस लॉर्ड खुदावर। हालेलुया। जेम्स। प्रभु आपको बहुत बरकत दे। आइए हम अंतिम प्रार्थना करें। अब हमारे स्वर्गीय पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की मीठी संगति और सहभागिता हम सबके साथ और यीशु मसीह के खून से खरीदे जितने लोग हैं पूरे विश्व में उन सबके साथ होती रहे। आमीन आमीन। जय मसीह की। आमीन।